जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द कैप्रिकॉर्न साइन, यानी कि मकर राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं ये जो हफ्ता है कैसा जाने वाला है आपके लिए। पहले आपकी लव लाइफ की बात करेंगे और फिर बात करेंगे करियर की। ओके, फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल, मुझे ऐसा लगता है रिफ्यूज़ल, मुझे ऐसा लगता है घर में या आपके घर में या कहीं आपके माइंड में या कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, सम कन्फ्लिक्ट थर्ड पार्टी को लेके। डेफिनेटली थर्ड पार्टी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, और थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि यस, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी चीज़ को लेके, किसी पर्सन को लेके, और मे भी हो सकता है रिफ्यूज़ल। मुझे यहाँ पे रिफ्यूज़ल की एनर्जी दिखाई दे रही है कुछ के लिए एक्सक्यूज़ मी, कुछ के लिए हो सकता है कि डेफिनेटली न्यू ऑफर्स आर कमिंग योर वे। मे भी हो सकता है आप ध्यान नहीं दे रहे हैं या आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, एंड मे भी हो सकता है कि आप आई डोंट नो, मे भी हो सकता है आप किसी से पूछ रहे हो या कुछ चल रहा हो आपके दिमाग में, या समथिंग इज़ गोइंग ऑन। मुझे ऐसा लगता है कि किसी के बारे में आप स्पेशली सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है द मदर ऑफ़ योर चाइल्ड, कुछ के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी है, राइट? स्टिल लाइक कोई यहाँ पे सोच रहा है, एंड मे बी हो सकता है किसी के पास ऑप्शंस हो रिगार्डिंग लव, और लेकिन कोई इमोशंस को होल्ड कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। डेफिनेटली आपके फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल, मुझे ऐसा लगता है न्यू लव और मे बी समथिंग न्यू रिगार्डिंग लाइक कुछ भी हो सकता है, कुछ नया बाय कर रहे हो सकता है, कुछ कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और कुछ कुछ के लिए हो सकता है कोई नया रिश्ता आ रहा हो। यस, डेफिनेटली हो सकता है थिंग्स आर चेंजिंग, डेस्टिनी इज ऑन योर साइड, बट आई डोंट नो व्हाई यू आर स्टिल इन दैट एनर्जी। आप पुरानी एनर्जी में अभी भी फंसे हुए हैं, और मे भी हो सकता है किसी के बारे में सोच रहे हैं और स्टिल लाइक जैसे किसी के बारे में सोच सोच के परेशान हो रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे कैप्रिकॉर्न पीपल के लिए दिखाई दे रही हैं। और घर में भी हो सकता है आपके तनाव वो मतलब झगड़ा चल रहा हो, या आपके माइंड में ही सब कुछ चल रहा हो, और आपको मे भी हो सकता है कि कोई लाइक है ना, कोई आपसे कुछ पूछ रहा है, या कोई आपसे आपके साथ लाइक जैसे कहते हैं ना कुछ, लेकिन आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स आपको कुछ पूछ रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप कहीं सेटल हो जाए, लेकिन आप मुझे लग रहा है कि मना कर रहे हो कुछ के लिए। आई एम गेटिंग अ साइड मैसेज। या अगर आप लाइक मे बी आप हो सकते हैं कपल, हो सकता है आपके घर में कुछ सोच रहे हैं कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में, सो हो सकता है कि आप किसी से बातचीत चल रही है, कुछ यहाँ पे रिफ्यूज़ल किसी की तरफ से आ रहा है, तो इसलिए आप परेशान हो रहे हैं क्योंकि आप कुछ ग्रो करना चाहते हैं, कुछ बिल्डअप करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें ओवरऑल मुझे दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल, बट नेवर माइंड, कुछ नई एनर्जी ज़रूर है आप लोगों के लिए, बिकॉज चीज़ें बदल रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स अबाउट थिंग्स आर लाइक आपके फेवर में है, राइट? जो भी होगा अच्छा होगा, तो आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है और बिलीव करने की ज़रूरत है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है स्टिल आप बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हैं, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है। इट्स अबाउट अगेन वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली थर्ड पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अभी भी हार्ट ब्रोकन हैं, या यूँ कह लीजिए आप बढ़ नहीं पा रहे आगे इस वजह से, या हार्ट ब्रोक की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। डेफिनेटली समथिंग अबाउट थ्री ऑफ सोर्ड्स, किसी चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और हो सकता है, मैं बार बार आपको कह रही हूँ, चेंज इज़ अहेड फॉर यू, या मे बी कोई है यहाँ पे, आप वेट कर रहे हैं मे बी ऐसे ऑफर का या ऐसे लव का अपनी लाइफ में इक्वल, लाइक कुछ के लिए हो सकता है आप चेंज रिजिस्ट कर रहे हैं,
यस कुछ के लिए हो सकता है आप रिजिस्ट कर रहे हैं. रिजिस्ट का मतलब है कि आप खुद जानबूझ के डिले कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि एक ऐसा लव, बिकॉज आप पास्ट में बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होंगे शायद किसी चीज़ की वजह से, तो अब आप चाहते हैं कि ऐसा पार्टनर कोई जो आपके साथ इक्वली आपके साथ चले, राइट? क्योंकि आप चोट खाए हुए इंसान है, राइट? यस, मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आप अपने आप को होल्ड कर रहे हैं, आप अपना जो लाइक टाइम है ना वो अपने काम में इन्वेस्ट कर रहे हैं. फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल मुझे ऐसा लगता है. और साइलेंट है, मे बी हो सकता है किसी की साइलेंस, या हो सकता है कि आप किसी के बारे में सोच रहे हो और ये जो पर्सन है आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो. सो ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं फॉर लाइक फ्यू कैप्रिकॉर्न पीपल. यस, इट्स अबाउट आप नई एनर्जी को अपनी तरफ नहीं आने दे रहे हैं. एंड यस, मूविंग अवे किसी चीज़ की तरफ से, लाइक हो सकता है, मैंने जैसे आपको पहले बोला, कुछ लोग घर में हो सकता है कोई बात चल रही हो, कोई आपके साथ कुछ बिल्ड करना चाह रहा हो, और कुछ के लिए हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड हैं, और मे बी हो सकता है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है रिगार्डिंग मैरिज, या हो सकता है डेफिनेटली अगर आप सिंगल हैं तो अगेन मैं यही कहूँगी कि मैरिज को लेके कुछ चल रहा है आपके घर में. हो सकता है आपके पेरेंट्स चाहते हों लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं, एंड यू आर वर्किंग अवे फ्रॉम समथिंग. मुझे ऐसा लग रहा है, बार बार आई एम गेटिंग दिस. यस, मे बी हो सकता है किसी के मन में स्टिल लाइक आपके मन में कोई फीलिंग्स हो किसी के लिए, तो ये चीज़ें ओवरऑल दिखाई दे रही है. बात करें अगर आपके करियर की, करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है सम चेंज इज़ कमिंग फॉर यू. हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा लाइक हार्डवर्क किया हो, मेहनत किया हो बहुत ज़्यादा, सो हो सकता है आपकी विशेष पूरी हो रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल देयर इज सम हार्ट ब्रेक दैट यू आर कैरिंग. मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ की वजह से, या हो सकता है कि कोई ऐसा है, कुछ ऐसी चीज़ है, कोई बर्डन है, या रिलेटेड टू कुछ पास्ट में हो सकता है फाइनेंशियल इशूज़ रहे हों जो आप स्टिल कैरी कर रहे हैं. और मुझे ऐसा लगता है कि आप यस मे बी आपको हेल्प भी मिल रही है फ्रॉम द डिवाइन, और चीज़ें बदल रही हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं आपके लिए स्लोली एंड स्टडीली, और आपको हेल्प मिल रही है. बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है, आई एम गेटिंग अ मैसेज, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट पेइंग योर डेब्ट्स. आप मे बी हो सकता है जैसे कि आपके पास में भी हो सकता है लाइक जैसे कहते हैं ना देनदार या लेनदार, किसी की बहुत ज़्यादा किसी ने पैसे किसी के देने हो या कुछ हो, तो मनी तो आ रही है बट मे बी हो सकता है कि कहीं लाइक वो फ्लो भी हो रही है. मे बी हो सकता है आपने किसी के पैसे देने हो, इट्स ऑल अबाउट दैट, ऐसा कुछ भी हो सकता है. बट नेवर माइंड, ये सबके लिए नहीं हो सकता है, राइट? सो मे बी येस यू वर वर्किंग हार्ड ऑन समथिंग, कोई टीम वर्क है कुछ है और आप कर रहे हैं, ऑल दो बहुत आपने मेहनत भी की है, और बट चेंज इज कमिंग विद द नाइन ऑफ पेंटिकल्स. हो सकता है आप चेंज लाइक चेंज चल रहा है आपकी लाइफ में, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बड़ा बिल्ड कर रहे हैं. फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल अगर वर्क वाइज देखें, मुझे न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए दिखाई दे रही हैं, और मे बी हो सकता है बर्डन मत लाइक अगर हार्ट ब्रेक है या कुछ भी है तो डोंट कैरी दैट बर्डन फॉरवर्ड. मुझे ऐसा लग रहा है बार बार. क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल प्लीज? क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न पीपल प्लीज? ब्रेक थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन, यस. कुछ के लिए अगेन मैं यही कहूँगी, हो सकता है कि शिवा आई एम गेटिंग, हो सकता है कि आप लाइक भगवान शिव को बहुत मानते हो, या हो सकता है कि आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप टाइम ले रहे हैं और आप यू आर डूइंग लाइक मेडिटेशन और बहुत कुछ अपनी लाइफ में लाइक बहुत चैलेंजेस के थ्रू आपका टाइम निकला है और आप प्रे कर रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, अपने अपने आप के साथ और अपने आराध्य के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. ब्रेक थ्रू पीरियड, इसका मतलब क्या हुआ है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपने एक यूँ कहूँगी कि एक टाइम है, एक आपने जैसे क्या बोलूँ मैं आपको कि आपने बहुत कुछ लाइफ में फेस किया और एक बहुत बड़ा जो कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में एक साइकिल था जो आपने ब्रेक किया है. मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ है जो आपने ब्रेक किया स्टिल. सो डोंट कैरी पास्ट बर्डन अगर कुछ है. ट्रांसफॉर्मेशन चेंज, आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, लर्न करने को बहुत कुछ मिला है, एंड हो सकता है आप अभी भी अचीव कर रहे हैं. जैसा कि मैंने बोला, कुछ के लिए हो सकता है कि
लाइक चीज़ें हों जो अभी भी थोड़ी बहुत आपको कहीं ना कहीं बॉदर करती हूँ, बट नेवर माइंड, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही यही है कि लाइक एक एंड हो चुका था, एक चैप्टर बरी हो चुका है और एक नया चैप्टर निकल के बाहर आ रहा है. इट्स अबाउट रीबर्थ, इट्स अबाउट गिविंग, लाइक इट्स अबाउट न्यू लाइफ, मुझे ऐसा लगता है. और सो उनके ऊपर आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है और सब कुछ वही संभाल रहे हैं. So that's all we have for all the Capricorn people. आपको I hope ये reading पसंद आई हो. So मिलती हूँ next time with another reading. Till then take care, bye. अपना ख्याल रखिए.